सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेक्टर 10 सड़क 37 स्थित मैदान में 50 गड्ढे खनन कर पौधारोपण किया गया। संस्था ने इस वर्ष से प्रशासन एवं जन सहयोग से 10 लाख पौधे व बीज रोने का संकल्प लिया है। संस्था पर्यावरण दिवस साल में एक बार नहीं अपितु साल के प्रत्येक दिन मनाए जाने के पक्षधर हैं, क्योंकि जिस तरह मानव द्वारा विकास व उद्योगीकरण के नाम पर रोज लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जल थल व नभ को जिस तेजी से प्रदूषित किया जा रहा है, जिसका परिणाम हर साल बढ़ता तापमान, तेजी से गिरता भूजल स्तर, नई नई बीमारियां, घटती आयु, ये प्रत्यक्ष सबूत हैं और ये सब प्रकृति के प्रकोप का ही परिणाम है। इसलिए हर हाल में सबको एक साथ मिलकर अपने आने वाले भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाना होगा। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ एकत्रित होकर पौधे रोपण का कार्य का शुभारंभ आज हमने किया है। बहुत ही दुखद विषय है कि आज हम पर्यावरण दिवस को साल में एक बार मना रहे हैं, जबकि ऐसा वक्त आ गया है कि पर्यावरण दिवस को हर रोज मनाने की आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि मानव द्वारा जो निरंतर पेड़ काटे जा रहे हैं, जल थल वायु तीनों को धीरे धीरे प्रदूषित किया जा रहा है आधुनिकीकरण के नाम से। इन सब विषयों को बहुत गंभीरता पूर्वक हमें सोचते हुए हर दिन हमको पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना है, पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना है। यही मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएं, पर्यावरण की चिंता करें और आज के दिन को हम पर्यावरण बचाओ देश बचाओ अभियान के रूप में हम मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। और एक बड़े लक्ष्य को लेकर, 10 लाख पौधे के लक्ष्य को लेकर प्रशासन के सहयोग से और जन सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हम प्रयास करें। पुनः निवेदन आप सभी से ज़्यादा पौधे लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सेक्टर 10 सड़क 37 के सामने में सर्वधर्म सेवा संस्था की ओर से वृक्षारोपण कर रहे हैं। और आज के समय में जो भिलाई का तापमान 47 पॉइंट समथिंग मुंगेली का गया था, तो हमें उससे ये सबक मिला है कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ लगाएं और उस तापमान को नीचे गिरावट मिलाए। आज हम लोग सर्वधर्म सेवा संस्था के तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किए हैं भिलाई में। और आज हम लोग बहनें लोग मिलके अपने भाइयों को ये गिफ्ट कर रहे हैं। ट्री भैया के लिए है एक, और एक वो भैया को उनसे दे रहा था ना, और ये कम से कम 500 के करीब बीज बम है, जो बॉल सीड बोलते हैं। इसका उपयोग बारिश में आप कहीं जा रहे हैं तो इसको आप चलते चलते फेंक दीजिए, इसके अंदर बीज है और वो अंकुरित होके बाद में आगे जाके एक वृक्ष बनेगा। तो ये आज हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है इसको कैसे और कहाँ लगाना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ी है इस साल, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, ये सब पर्यावरण के खराब होने, नष्ट होने का परिणाम हम सब लोग भुगत रहे हैं। इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सर्वधर्म संस्था की ओर से सेक्टर 10 के बगीचे में हम लोग पेड़ लगाने आए हैं। और हम सबसे अपील करते हैं कि आप सब भी अपने घर के आसपास और जहाँ भी आपको खाली जगह दिखती है वहाँ पर आप लोग पेड़ लगाएँ और उसकी रक्षा करें, उसके बड़े होने तक की उसकी देखभाल करें। संस्था इस गंभीरता को पूर्व से ही भांप कर 2004 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का विरोध, पानी बिजली बचाओ जैसे अभियान चलाते आ रही है। इस कार्यक्रम में प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, घनश्याम पांडे, प्रकाश गवांडे, उपेंद्र पांडे, वसंत सालंकर, दिलीप उमरे, सुरेश खांडवे, विलियम श्रीराम वर्मा, खोमन वर्मा, फरीदा बेगम, सुधा शर्मा, ग्लोरी पार्कर, डॉक्टर अलका दास, विजया निर्मला, तारिणी साहू, बॉबी दिल्लीवास, साथ ही अन्य लोग शामिल रहे। सभी ने बढ़ चढ़कर जागरूकता पूर्वक इस अभियान में हिस्सा लिया।